वनवासी शब्द में फर्क आप लोग जानते हैं? आप आदिवासी हो वनवासी हो? तो आप कहते हो कि हम आदिवासी हैं, इसका मतलब क्या है? हाँ, हाँ, बताइए मतलब क्या है इसका? हम इस देश के मालिक हैं। आदिवासी शब्द का मतलब देश के ओरिजिनल मालिक। यहां पे जब कोई नहीं था तो आदिवासी हिंदुस्तान में थे। आप ओरिजिनल मालिक हो, मतलब जो जल है, जंगल है, जमीन है, हिंदुस्तान का धन जो है, इसके ओरिजिनल मालिक आप थे। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। वनवासी और आदिवासी में फर्क यह है कि आदिवासी शब्द के साथ जमीन, जल और जंगल का अधिकार जुड़ा हुआ है। वनवासी शब्द में कोई अधिकार नहीं है, इसलिए बीजेपी आपको वनवासी कहती है और हम आपको आदिवासी कहते हैं। हिंदुस्तान का जो आइडेंटिटी कार्ड है, आधार कार्ड, जिससे हिंदुस्तान के हर नागरिक को आइडेंटिटी मिलती है, देश को पता लगता है ये है कौन, उसको हमने यहां लागू क्यों किया? आदिवासी डिस्ट्रिक्ट में क्यों लागू किया? क्योंकि हम आपको मैसेज देना चाहते थे कि आप इस देश के ओरिजिनल मालिक हो और ये जल, जंगल और जमीन ये आपका था और आपसे ये लिया गया, और अगर ये आपका था तो जमीन पर, जल पर और जंगल पर आपका हक बनता है। वनवासी का मतलब एक बार हिंदुस्तान में जंगल खत्म हो जाए तो फिर आदिवासी कहीं के नहीं रहेंगे। बीजेपी आपसे कहती है आप वनवासी हो, कहती है ना, और फिर जंगल को, वन को खत्म करती रहती है, अदानी को देती जाती है। आस्ते आस्ते सारा का सारा जल, जंगल, जमीन जो है वो अदानी जैसे अरबपतियों को चला जाएगा और फिर बीजेपी आपको कहेगी भैया आप वनवासी हो, वन तो रहा ही नहीं, तो आप जाके सड़क पे आप लोग भीख मांगो, मजदूरी करो। देश आपका नहीं है। आप जानते हो
नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े 20-25 अरबपतियों का कितना कर्जा माफ किया है आप जानते हो? कोई बता सकता है मुझे? बोलो बोलो ना, कितना? 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का। अब मुझे बताओ नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों का कितना कर्जा माफ किया है? एक रुपया आपका माफ किया है? आदिवासी किसानों का एक रुपया माफ किया? मजदूरों का एक रुपया माफ किया? किसी आदिवासी युवा जिसने कॉलेज के लिए यूनिवर्सिटी के लिए लोन लिया उसका कर्जा माफ किया? नहीं। मगर जिनको कर्जा माफी की जरूरत नहीं है उनका 16 लाख करोड़ रुपया उन्होंने माफ किया। 16 लाख करोड़ रुपए इतना बड़ा नंबर है समझ ही नहीं आता आपको, हमें समझ नहीं आएगा, अदानी को एक सेकंड में समझ आ जाएगा 16 लाख करोड़ इतना होता है, मगर नॉर्मल आदमी को नहीं आता। तो मैं आपको समझा देता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने 24 साल का मनरेगा का पैसा इनका कर्जा माफ किया है। अगर आप हिंदुस्तान का पूरा मनरेगा का पैसा साल का जोड़ें तो 65,000 करोड़ रुपए बनता है। 24 साल का पैसा इन्होंने 20-25 अरबपतियों का कर्जा माफ किया। 24 साल मनरेगा का पैसा माफ किया है 20-25 लोगों का। 22 लोग हैं हिंदुस्तान में, उनमें से अदानी हैं, अंबानी हैं, नाम आप जानते हो। उनके पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के पास है। एक तरफ 70 करोड़ लोग, उसमें आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, गरीब, जनरल कास्ट के लोग, और दूसरी तरफ 22 लोग, सिर्फ 22 लोग। उनके पास एयरपोर्ट, पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबाइल फोन, डिफेंस की इंडस्ट्री, सारा का सारा हिंदुस्तान उनके हाथों में, 22 लोगों के हाथों में। उनका कर्जा माफ होता है, सब कुछ उनके लिए किया जाता है और बाकी हिंदुस्तान देखता रहता है। देश में आदिवासियों की आबादी कितनी है बताओ? 8%। तो सवाल भागीदारी का है और कोई सवाल नहीं है। आपकी आबादी 8%, क्या आपकी भागीदारी 8% है? मैं आपको बताता हूं आपकी भागीदारी के बारे में। ये मीडिया वाले बैठे हैं कैमरा लिए, मोदी मीडिया, अदानी मीडिया। अच्छा, ये जो है रिपोर्टर, इनकी गलती नहीं है, इनकी गलती नहीं है, इनको सैलरी से बांध रखा है, अगर इन्होंने कुछ कहा तो उठा के आउट कर देंगे। आप हिंदुस्तान की मीडिया कंपनी की मालिकों की लिस्ट निकालिए, 30-40 होंगे, और फिर बड़े बड़े एंकर्स की लिस्ट निकालिए, बड़े रिपोर्टर्स की लिस्ट निकालिए। आपने चेहरे देखे हैं, कभी आपने
मीडिया में, टीवी पे कोई आदिवासी जर्नलिस्ट देखा है? मीडिया के मालिकों के लिस्ट में कोई आदिवासी है? तो मीडिया में आप नहीं हो, मीडिया में आपकी 0% भागीदारी, एक आदमी नहीं आपका। आपकी जमीन का मुद्दा, जल का मुद्दा, जंगल का मुद्दा मीडिया में आपको नहीं दिख सकता। सोशल मीडिया में बीजेपी के नेता ने आदिवासी युवा के मुंह पे पेशाब किया, आपने देखा होगा। देखा? मैंने देखा। सोशल मीडिया पे आएगा, मीडिया पे नहीं आ सकता। ठीक है, आप कहोगे भैया मीडिया में हम नहीं चाहते भागीदारी। मैं कहता हूं होनी चाहिए। शायद आप कहो नहीं, हमें नहीं चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। तो ठीक है, मीडिया से हटकर बात करते हैं। हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों में उनकी मालिकों की लिस्ट निकालो, उनकी सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, उसमें आदिवासी कितने? एक नहीं है आपका। ना किसी बड़ी कंपनी में, ना सीनियर मैनेजमेंट में, अदानी की कंपनी में एक नहीं मिलेगा। तो आप मीडिया में नहीं हो, आप हिंदुस्तान की बड़ी कंपनी, बड़ी कंपनियों में नहीं हो। ठीक है, हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, आईएएस अफसर हैं, हिंदुस्तान का पूरा बजट ये बांटते हैं। स्वास्थ्य में कितना पैसा जाता है, शिक्षा में कितना जाता है, डिफेंस में कितना जाता है, 90 लोग बांटते हैं। दिल्ली में आईएएस अफसर हैं, 90 में से आदिवासी कितने बताओ? एक। 90 में से एक आदिवासी है, उसको भी कोने में बैठा रखा है पीछे। और अगर हिंदुस्तान की सरकार बजट में 100 रुपए खर्च करती है तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेता है। आपकी आबादी 8%, आपकी भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसे। आपका ट्राइबल प्लान उठा के ले गए, दलितों का प्लान उठा के ले गए, जहां भी देखो हिंदुस्तान में आपके खिलाफ अन्याय हो रहा है। जमीन किसकी जाती है? आदिवासी की जाती है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं। अभी मैं गुजरात से आया, गुजरात की 25% जमीन, पूरे गुजरात की 25% जमीन अक्वायर कर ली। अक्वायर कहां से हुई, किसकी जमीन अक्वायर हुई? आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की। जहां भी देखो अक्वायर होगी तो आदिवासी की जमीन जाएगी। पानी जाएगा तो आदिवासी का पानी जाएगा, जल जाएगा तो आपका जल जाएगा, जंगल जाएगा तो आपका जाएगा, जमीन जाएगी तो आपकी जाएगी। आपसे कहते हैं विकास हो रहा है, किसका विकास, कैसा विकास? आपकी भागीदारी तो है ही नहीं। पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी देखो, उनके मालिकों की लिस्ट निकालो, उसमें आपका एक आदमी नहीं है। प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालो, उसमें आपका एक आदमी नहीं है। मालिकों में आपको एक नहीं मिलेगा। 8% आबादी है,
तो ये हम बदलना चाहते हैं, इसलिए हमने न्याय यात्रा की है। और ये सिर्फ आपके खिलाफ नहीं हो रहा है, ये हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों के साथ हो रहा है। आप 8% हो, दलित 15% हैं, पिछड़े 50% हैं, सबके साथ ये हो रहा है। आपके साथ ज्यादा हो रहा है, दलित भाइयों के साथ ज्यादा हो रहा है, मगर सबके साथ हो रहा है। इसलिए मैंने कहा कि दो काम करने हैं। सबसे पहले सबकी गिनती करनी है इस देश में, किस वर्ग के कितने लोग हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं। वो 8% है, मगर उसका पक्का पता लगाना है। 8% है, 10% है, 12 है, कितने हैं, तो सबकी सबसे पहले गिनती करनी है। उसके बाद गिनती करने के साथ इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सर्वे, यह पता लगाना है कि हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियों में, हिंदुस्तान की संस्थाओं में, हिंदुस्तान की सरकारों में, प्राइवेट अस्पतालों में, ब्यूरोक्रेसी में आदिवासियों की कितनी भागीदारी है। क्या 8% है या नहीं है? और अगर नहीं है तो फिर 8% कम से कम होनी चाहिए और होगी। इसीलिए मैं हर मीटिंग में कह रहा हूं, जाति जनगणना, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सर्वे क्रांतिकारी कदम है, और यह कदम कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में डाल दी है, और जैसे हमारी सरकार आएगी हम इसको पूरा करके आपको दे देंगे। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चोट लगती है, डॉक्टर के पास जाते हो, पहले कहते हो भैया चोट लगी, डॉक्टर कहता है एक्सरे कराओ, कहता नहीं कहता है? हम हिंदुस्तान का एक्सरे कराना चाह रहे हैं। हमें मालूम है कि आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को चोट लगी है, सबको मालूम है। अब पता लगाना है कितनी चोट लगी है और किसको लगी है। एक्सरे कराना है, एमआरआई कराना है, यही है जाति जनगणना, इकोनॉमिक सर्वे, फाइनेंशियल सर्वे, इंस्टीट्यूशनल सर्वे। दूसरा वायदा हमने किया, किसानों को लीगल एमएसपी, कानूनी एमएसपी, कम से कम दाम गारंटी करके कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के किसानों को देने जा रही है। और आदिवासियों के लिए हमने 5 चीजें, ऐतिहासिक चीजें अपने बजट में आपके लिए डाली हैं। मैं आज आपको उनके बारे में बताना चाहता हूं। हम फॉरेस्ट राइट एक्ट लाए, बीजेपी ने उसको कमजोर किया, और जो आपकी क्लेम्स बनती हैं, जो आपकी जमीन की क्लेम्स हैं, उनको पूरा नहीं किया। आपका जमीन का जो हक है वो आपको नहीं दिया। बहुत सारे लोगों की जो क्लेम्स हैं उनको रिजेक्ट कर दिया, सही। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, 1 साल के अंदर आपकी सारी की सारी जो क्लेम्स हैं उनको हम सेटल कर देंगे, जमीन आपके हवाले हो जाएगी। और जो क्लेम्स आपकी रिजेक्ट की गई हैं, जो गलत तरीके से रिजेक्ट की गई हैं, उनको रिव्यू करके 6 महीने में हम कार्रवाई आपको दे देंगे। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है जो, और जो लैंड एक्विजिशन एक्ट किया था हमने, बनाया था जमीनी अधिकरण बिल, उसको इन्होंने कमजोर किया है, उसको हम फिर से मजबूत करेंगे, और जो आपके अधिकार हैं उनकी आप रक्षा कर पाएंगे।
जमीन के लिए आपको सही रेट मिलेगा, चार गुना रेट मिलेगा और आपका जल जंगल और जमीन आपके हाथ में, उसका आपका अधिकार बनेगा। तीसरा काम, शायद सबसे ऐतिहासिक काम, जहां भी आदिवासियों की 50% से ज्यादा आबादी है पूरे हिंदुस्तान में, जहां भी आदिवासियों की 50% से ज्यादा आबादी है उसे हम सिक्स शेड्यूल में डाल देंगे। मतलब सारे के सारे लोकल जो निर्णय होंगे वो आदिवासी लोग लेंगे और कोई नहीं लेगा। जैसे हमने किसानों के लिए लीगल गारंटी दी है, वैसे ही हम फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, जो जंगल में उगता है, उसके लिए लीगल गारंटी आपको दिलवा देंगे। और आखिरी काम, जो पैसा कानून है उसमें जो विलेज गवर्नमेंट और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, उसको हम आपके लिए एस्टैब्लिश करके दिखा देंगे। ये पांच काम हम आपके लिए करने जा रहे हैं। आखिरी बात जो आपने यहां बोली, जो ट्राइबल सब प्लान, दलित सब प्लान की बात है, जो कानून आंध्र में बनाया गया है जिससे उस पैसे की रक्षा होती है आपके लिए और वो आपके लिए ही प्रयोग किया जा सकता है, और अगर प्रयोग नहीं होगा अगले साल भी वो पैसा आपका होगा, वो भी हम दिल्ली में कानून बना देंगे। मगर सबसे बड़ा मुद्दा भागीदारी का है और हम उसको छोड़ने वाले नहीं है। आपकी आबादी 8% है, आपका जल है, आपका जंगल है, आपकी जमीन है, उसकी रक्षा होगी और जो आपका हक बनता है वो हम आपको दे के दिखाएंगे। आप सब दूर दूर से आए, एक बार फिर मैं आपको होली की बधाई देता हूं। नमस्कार, जय हिंद और धन्यवाद। जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय आदिवासी। धन्यवाद राहुल जी। यानंतर मी माननीय आमदार श्री जी नाईक यांना आभार प्रदर्शनासाठी याचे करीत आहे। राहुल गांधी यांची भारत जोडो यात्रा महाराष्ट्रात आता पोहोचलेली आहे। नंदुरबार मध्ये ही यात्रा पोहोचलेली आहे। आदिवासी न्याय यात्रा असं याला नाव देण्यात आलेलं आहे आणि राहुल गांधी यांनी आदिवासींच्या अधिकारांबाबत आता भाषण केलं आणि मोदी सरकारवर कडाडून टीका सुद्धा केली आहे। भाजपकडून देशातली जंगलं संपवण्याचं काम सुरू आहे। ही जंगलं आदिवासींचं निवासस्थान आहे। जंगलांची जागा ही धनाढ्य लोकांना, उद्योगपतींना दिली जाते असं देखील राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।